हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग को स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया चैप्टर लेक्चर 1, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है बेटा? तो बेटा, आज तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है वो सब रियल था। ठीक है, हम लोग सब कुछ रियल पार्ट्स को लेके चलते हैं, सब कुछ मांग के चलते हैं, हम लोग रियल रियल होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में मेरे पास एक नया चीज़ आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इमेजनरी नंबर्स। ठीक है ना? कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग पढ़ते क्यों, पहली चीज़ तो ये। ठीक है बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर की जो पहलू थी, या फिर देखा जाए तो उसकी उसके बारे में जो सोचा गया था, वो ऐसे सोचा गया था कि जैसे मान लीजिए आप लोग क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा सॉल्व करते हो, उसमें एक चीज़ होती थी डिस्क्रिमिनेंट डी, एक चीज़ होती है डी, जिसका वैल्यू क्या होता था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये होल अंडर रूट में होता था। ठीक है ना? हम लोग के यहाँ पे दो केसेस होते थे, इक्वल्स टू जीरो, ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन जीरो, एंड डी लेस देन जीरो। बेटा ये दो केसेस तो आप लोग हमेशा सॉल्व करते थे, रियल होता था। ठीक है ना? रियल वैल्यूज आती थी इसमें, सॉल्यूशंस इसके। ठीक, लेकिन जब भी हम लोग डी लेस देन जीरो पे आते थे, हम लोग बोल देते थे कि इसकी कोई भी रियल रूट्स नहीं है, इसके पास सिर्फ इमेजिनरी सॉल्यूशंस या फिर रूट्स हैं। ठीक, इमेजिनरी। ठीक है, हम लोग हमेशा ये बोलते थे इसके इमेजिनरी रूट्स हैं, और बस यहाँ पे छोड़ देते थे इसको, क्योंकि हम लोग इसके रूट्स नहीं निकालते थे, क्योंकि वो सब इमेजिनरी होते थे। और हम लोग तब तक सही भी था वो चीज़, क्योंकि हम लोग को नहीं पता कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ से जब ये किस आ रहा है, बाकी चीज़ों में लोग अच्छा चला था, सब कुछ वेरी गुड चल रहा है, अच्छा अच्छा जा रहा है, लेकिन ये चीज़ लोगों को खटकने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम कोई चीज़ पढ़ नहीं, समझ नहीं पा रहे हैं, मतलब कैसे हो सकता है। ठीक है ना? तो उन्होंने सोचा कि डी लेस देन जीरो, इसका भी कुछ ना कुछ तो होगा ज़रूर, तो इसका कोई उन्होंने कॉन्सेप्ट ढूंढा। अब फिर मतलब काफ़ी चला, एक एक मतलब इसने पहली बार सोचा, किसने पहली बार ये खटका किसके दिमाग में, एक मैथमेटिशियन थे बेटा, इसका नाम था जेरोलोमो कार्डनो, जेरोलोमो कार्डनो। ठीक है ना? नाम थोड़ा सा वियर्ड, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कार्डनो, ठीक है, उसको कार्डनो के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। तो कार्डनो वॉज द फर्स्ट मैथमेटिशियन, उन्होंने सोचा था इसके बारे में। ठीक है, कार्डनो ने पहली बार सोचा था किसके बारे में, कि भाई साहब इसका भी कुछ होगा ज़रूर, हम लोग ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मतलब इमेजिनरी तो छोड़ दो। ठीक है, तो पहली बार उन्होंने इसको ऑब्जेक्शन लिया इसके ऊपर कि सर हमें अभी नहीं पता है कि होता क्या है, लेकिन कुछ तो होगा ज़रूर, ये तो पक्की बात है, इन्होंने ये बोला, ऐसा कुछ बोला। ठीक है, तो फिर जब इन्होंने बोला, भाई बड़े मैथमेटिशियन थे, बड़े अच्छे फिलोसोफर थे ये, ठीक है ना? तो अब इनको गौर भी करा गया कि सर जब बोल रहे हैं तो कुछ तो बात होगी इनकी बातों में, है ना? तो सोचा गया, बात हुई, बहुत ज़्यादा चर्चा हुई, बहुत ज़्यादा डिस्कशन करा गया। ठीक है, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा महान मैथमेटिशियन, आपने नाम सुना होगा, इनका नाम है आइलर, EULER। सिक्सटीन सेंचुरी में मैथमेटिशियन आइलर आए, उन्होंने एक नया इंट्रोडक्शन दिया एक चीज़ का, जिसको बोलते थे हम लोग आई से डिनोट करते थे, और बोलते थे आयोटा। ठीक है, शुरुआत कॉम्प्लेक्स नंबर की यहाँ से हो चुकी थी, जैसे ही ये आइलर ने बताया कि आयोटा कोई चीज़ होती है, तो वहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत हो गई थी। तो आप देखो यहाँ से मेन चीज़ शुरुआत कैसे, सबसे ज़्यादा पहल सबसे बड़ी कहाँ से हुई, जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे और वहाँ पे डी का वैल्यू हम लोग लेस देन जीरो लेते थे। शुरुआत सबसे पहला खटकना, जो फिर जो सबसे पहला ऑब्जेक्शन जो लिया गया, वो कब लिया गया, जब हम लोग डी लेस देन जीरो को इग्नोर कर देते थे, क्योंकि वो इमेजिनरी रूट देता था। ठीक है, तो जब आइलर ने इसको आई को इंट्रोड्यूस किया, तो ये था क्या आई, असल में आई था एक यूनिट इमेजिनरी नंबर, यूनिट इमेजिनरी नंबर। ठीक है, यूनिट इमेजिनरी नंबर मतलब बेटा असल में आई की जो वैल्यू होती थी वो इक्वल्स, उन्होंने बताई कि -1 के अगर अंडर रूट लगा हुआ है, देखो अब रूट के अंदर अगर -1 लिखा हुआ है तो वो आई के इक्वल होगा, इन्होंने आई के वैल्यू बताई। ठीक है, तो उससे फ़ायदा क्या मिला मेरे को, इससे ये फ़ायदा मिला, जैसे कि मान लो अगर मैं आपसे पूछूँ, नॉर्मल, जैसे कि आप जो अभी रियल वर्ल्ड में पढ़ते हुए आए हो अभी तक पूरा, ठीक है ना, अगर मैं उससे आपसे पूछूँ कि आप इसका x² -1 का मेरे को रूट्स बताओ या फिर सोल्यूशंस बताओ, तो सिंपल आप कहोगे सर x² = 1 एंड x = या फिर प्लस या फिर -1। ठीक है, आप ये कहोगे सर इसका सोल्यूशंस +1 या फिर -1 होंगे। यहीं पे अगर मैं आपसे बोलता कि बेटा मेरे को x² + 1 के सोल्यूशंस बताओ, तो आप थोड़ा सा हिचकिचाओगे, कैसे, क्योंकि सर इसके रियल रूट्स नहीं आ रहे। अगर आपको मैं अभी इमेजिनरी वाला कॉन्सेप्ट ना बताता आपको अगर, तो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है ये चीज़ कि कैसे निकालें इसके रूट्स, क्योंकि आप अगर जब इसके रूट्स निकालोगे, x² = यहाँ पे आएगा -1 एंड x = बेटा आ जाएगा यहाँ पे -1 का रूट, ऐसे करके, तो अब यहाँ पे आप रुक जाओगे, आप कहोगे कि सर यहाँ पे जो डी की वैल्यू है लेस देन जीरो आ रही है, या फिर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, और अंडर रूट कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं लेता है ना, क्योंकि हमेशा स्क्वायर रूट जो होता है, ये हमारा स्क्वायर रूट, वो हमेशा पॉजिटिव क्वान्टिटी होता है।
ठीक है, वो हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो की वैल्यू लेता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आके रुक जाओगे, आप यहाँ पे कहोगे सर इसके नो रियल रूट्स, इट हैज़ नो रियल रूट्स। मैं कहूँगा वेरी गुड, आप सही बोल रहे हो, इसके नो रियल रूट्स हैं, एक भी रियल रूट्स नहीं है, लेकिन रूट्स नहीं है ये कहना थोड़ा सा अलग गलत होगा। क्यों? देखो अच्छा, हाँ पहली चीज़ एक और, ये बेटा जो कुछ हम लोग पढ़ने वाले चैप्टर सब इमेजनरी होने वाला है, क्योंकि आधार ही इसका इमेजनरी नंबर्स है, ठीक है ना, सब इमेजनरी है। तो मैं ये बोलूँगा कि बेटा इसके रूट्स नहीं है ये बोलना गलत है, लेकिन हाँ इसके कोई रियल रूट्स नहीं है ये आप बोल सकते हो। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि आपका आई इज इक्वल्स टू, ये अभी आयलर हमको इंट्रोड्यूस कर सकते थे, कर चुके थे। तो अगर मैं यही बात अब देखो, अब मैं लिखूँ कि एक्स स्क्वायर, अगर अब मैं लिखूँ एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू जीरो के मेरे को रूट्स बताइए, तो आप आराम से यहाँ पे क्या करोगे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन, दो साइड रूट लगाओगे, ठीक है ना, इधर आप दो साइड रूट लगाओगे, टेकिंग रूट बोथ साइड्स। तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक्स, इधर मिलेगा आपको माइनस वन का रूट, और ये आपको पता किसके इक्वल होता है, ये होता है आई के इक्वल, विच मीन्स प्लस माइनस आई आएगा। तो दो दो आते हैं रूट, हमेशा जब स्क्वायर रूट लगाएंगे तो दो वैल्यूज मिलती हैं, या तो प्लस या तो नेगेटिव, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। तो एक तो आएगा प्लस आई और एक आएगा माइनस आई, तो उसके सोल्यूशन हो जाएंगे बेटा एक्स इक्वल्स टू प्लस का आई, एंड सेकेंड सोल्यूशन इसका हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू बेटा माइनस आई, है ना। तो इसके दो सोल्यूशन यहाँ से मिले। तो कुछ यहाँ से अब स्टार्टिंग हो चुकी थी, बिगिनिंग हो चुकी थी हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। अभी तो अच्छा देखो ध्यान से, अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स में नहीं पहुँचे हैं, अभी हम लोग सिर्फ इमेजनरी यूनिट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर अभी असल में स्टार्ट नहीं करा, कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने से पहले हम लोग को इमेजनरी नंबर्स या फिर इमेजनरी यूनिट्स क्या होती हैं वो जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो बेटा असल में अब देखो, ये तो बात होगी यूनिट नंबर्स की ना, जैसे कि आपने बता दिया सर ये माइनस वन इक्वल्स टू आई होता है, चलो मान लिया ये एक्सप्रेशन मैं यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन सर अब ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूँ रूट माइनस सेवन, तो क्या करोगे आप? तो सर ये तो कुछ कॉम्प्लिकेशन सा लग रहा है, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो ये आप कैसे बताओगे? तो देखो बेटा, अब जब हमारे पास आयलर सर ने हम लोगों को ये दे दिया आई इक्वल्स टू माइनस रूट वन, तो बाकी काम था अब हम लोगों का, बाकी बाकी मैथमेटिशियन ने उसको आगे बढ़ाया, ठीक है, धीरे धीरे करके इसको और पढ़ा गया। तो इसको असल में बोल दिया कि अब इसके नाम में इसका मतलब छुपा हुआ है, इसका नाम था बेटा यूनिट इमेजनरी नंबर। इमेजनरी मतलब क्योंकि इमेजनरी है, ये रियल में नहीं आता है। यूनिट में यूनिट का मतलब कि यूनिट इसकी वन है, वन वन यूनिट है ना, यूनिट लेकर मतलब इसका मैग्नीट्यूड वन है, ठीक है। तो इसी में आ गया है। तो देखो अब क्या करने वाला हूँ मैं, अगर मैं आपसे पूछूँ अभी इसका आंसर मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूँगा, आप थोड़ा सा और इस पर चर्चा करेंगे हम लोग अभी आगे। हम लोग को पता है कि जो माइनस वन होता है वो होता है आई के बराबर, है ना, ठीक। अगर मैं आपसे पूछूं आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे सर इसको दो बार मल्टीप्लाई कर दो इनटू माइनस वन, इस प्रकार से कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, सॉरी माइनस वन आ जाएगा। मतलब कि आई इज इक्वल्स टू रूट माइनस वन एंड आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वन। इसी प्रकार से अगर मैं पूछूं आपसे कि सर आई की पावर एन कितना होगा, तो अब देखो हम लोग इस पर कुछ चर्चा करने वाले हैं कि आई की पावर एन वाले कॉन्सेप्ट को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो धीरे धीरे करके हम अब इसकी पावर्स बढ़ाते हैं, ठीक है, हम लोग इसकी पावर्स बढ़ाते हैं। तो क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आया मेरे को आई की पावर, जब आई की पावर वन था तब मेरा आंसर था माइनस वन का रूट, ठीक है। जब यहाँ पे मैंने निकाला आई स्क्वायर तो यहाँ पे आया माइनस वन। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट आई की पावर थ्री मीन्स आई क्यूब, विच मीन्स अब देखो आई, मैं आई क्यूब को लिख सकता हूँ बेटा आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आई, इज इट करेक्ट? हाँ ये करेक्ट, ओके। सो अब हम लोग देखो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, माइनस वन, एंड आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, एंड आई की वैल्यू है बेटा कितनी, आई की वैल्यू है कहाँ गया, माइनस रूट वन, ठीक है ना। तो इसका आई क्यूब का वैल्यू कितना आ जाएगा, आई क्यूब इज इक्वल्स टू बेटा आप लिख सकते हो कि माइनस वन इंटू आई, इसको ऐसे लिखा रहे हमने, ठीक है, क्योंकि इसका तो यूज़ अच्छे से कर नहीं पाएंगे, तो हमने आई को वैसे का वैसे ही रूट माइनस वन की वैल्यू रख दी आई, विच मीन्स आई क्यूब इज इक्वल्स टू बेटा माइनस आई, ठीक है ना। आपके पास तीन वैल्यूज आ गई, कौन कौन सी, आई की पावर वन वाली, आई की पावर टू वाली और आई की पावर थ्री वाली, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अभी और आगे बढ़ते हैं, आई की पावर फोर, आई की पावर फोर कैन बी रिटन एज आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, है ना। देन आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन एंड आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, विच मीन्स आई की पावर फोर इज इक्वल टू बेटा प्लस का वन, ठीक है। यहाँ से आपके पास चार वैल्यूज बेटा, यही आपकी फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं। अब बताएं क्यों, हमने क्यों बोला ये फंडामेंटल है, क्योंकि बेटा इन्हीं से आगे की वैल्यूज़ निकलने वाली हैं, ठीक। अब देखो एक और चीज़, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं फाइव सिक्स सेवन एट को साथ में लिखने वाला हूँ,
ठीक है, उसको अलग से बताऊंगा मैं, साथ में लिख देता हूँ आपके लिए, फिर बताता हूँ उसमें क्या चीज़ हमको मिल रहा है या फिर क्या चीज़ उसमें हमको गौर करना है। ठीक है, तो पहले मैं उनको लिख देता हूँ एक साथ। नौ सी बेटा, अब मैं 5, 6, 7, 8 का निकालने वाला हूँ। ठीक है, अब जैसे मैं 5, 6, 7, 8 का लिखूंगा, आप आई की पावर 5 को कैसे लिख सकते हो? आई की पावर 5 इज इक्वल टू बेटा आई की पावर 4 क्रॉस आई। ठीक है, ऐसे लिखा मैंने, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आई की पावर 4 कितनी होती है? 1 होती है, एंड आई को ऐसे लिख दिया। दिस गिव्स मी दैट आई की पावर 5 इज इक्वल टू बेटा आई। ठीक है, इसका यूज़ होगा अभी। ठीक है, आगे बढ़ो। आई की पावर 6, आई की पावर 6 कैन बी रिटन एज बेटा आई की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई आई की पावर 2, विच मीन्स आई की पावर 4 दैट इज़ 1 एंड आई स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा माइनस माइनस क्या था, आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। हाँ ठीक है ना, तो इट गिव्स मी आई की पावर 6 इज इक्वल टू बेटा माइनस 1। ओके, आई की पावर 7 कैन रिटन एज आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 2 इंटू आई। ठीक है, हो गया आई की पावर 7, आई की पावर 4 दैट इज 1, आई की पावर आई स्क्वायर दैट इज माइनस 1, एंड आई को मैंने ऐसे ही लिख दिया। दिस गिव्स मी बेटा माइनस आई, दिस गिव्स मी आई की पावर 7 इज इक्वल टू बेटा माइनस आई। ओके, नाउ नाउ मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स आई की पावर 8, मूविंग टूवर्ड्स आई की पावर 8, इट कैन रिटन एज आई की पावर 4 क्रॉस आई की पावर 4, विच मीन्स 1 इंटू 1 दैट इज आई की पावर 8 इज इक्वल टू बेटा 1। ठीक है बेटा, नाउ नोट द पैटर्न। आप अगर ध्यान से देखो, यहाँ पे एक पैटर्न दिखेगा आपको उस पूरे सिनेरियो में, जो भी सिनेरियो चल रहा है मेरा, इसमें आपको एक पैटर्न दिखने वाला है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आई की पावर 1 का वैल्यू कितना था, आई की पावर वैल्यू का 1 था, वैल्यू था आई या फिर रूट माइनस 1। ठीक है ना, इसका मतलब यही हुआ। एंड आई स्क्वायर का वैल्यू कितना था, आई स्क्वायर का वैल्यू था बेटा माइनस 1, आई क्यूब का वैल्यू था माइनस आई, एंड आई 4 का वैल्यू था 1। ठीक है, उसी प्रकार से आप जब मैंने यहाँ पर निकाला आई की पावर 5, आई की पावर 6, आई की पावर 7, आई की पावर 8, इन दोनों का वैल्यूज, इन सब का वैल्यूज क्या आया, आई माइनस 1 माइनस आई एंड प्लस 1। तो बेटा यू कैन सी दिस कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो रिपीट होने लगी, है ना, मतलब 4 आई की पावर 4 के बाद इसकी वैल्यूज रिपीट होने लगी। जो वैल्यू आई पर आई की पावर 5 की है वही वैल्यू आई की पावर 1 की भी है, जो आई स्क्वायर की वैल्यू है वही आई 6 की वैल्यू है, जो आई 3 की है वो आई 7 की है, जो आई 4 की है वो आई 8 की है। तो यहाँ से बेटा एक चीज़ मेरे को समझ में आई कि ये एक साइकिल चलती है, ये पूरी एक साइकिल चलती है जहाँ पर वैल्यूज रिपीट होती हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे करके रिप्रेजेंट करूँ, जहाँ दो मिनट वेट करिएगा, मैं थोड़ा सा मार्कर ले यूज़ कर लूँ। हाँ, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये लिखा हुआ है आई, ठीक है, ये लिखा हुआ है माइनस 1, ये लिखा हुआ है माइनस आई, ठीक है, एंड ये लिखा हुआ है 1। सो अगर आप देखो, ये फर्स्ट पावर थी, फर्स्ट पावर, सेकेंड पावर, थर्ड पावर एंड दिस इज फोर्थ पावर, है ना, ऐसे करके साइकिल चल रहा है मेरा। तो जब मैं यहाँ से आगे बढ़ूँगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फिफ्थ पावर, यहाँ से आगे बढ़ा ये हो जाएगा सिक्स्थ पावर, ठीक, यहाँ से आगे बढ़ा ये बन जाएगा सेवन्थ पावर, ठीक है, यहाँ से फिर मैं आगे बढ़ा ये बन जाएगा एट्थ पावर, आगे बढ़ा नाइन्थ, टेंथ। तो आप देख पा रहे हो हर 4 के बाद इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, हर 4th टर्म के बाद या फिर हर 5th टर्म की वैल्यू वही होगी जो 1 की वैल्यू होती है, ऐसे बोलो, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि हर 4th टर्म के बाद इसकी वैल्यूज रिपीट होना चालू हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब मैं आपसे पूछूँ, तो अगर अब मैं आपसे बोलूँ कि ऐसे करके यहाँ पे दिखाते हैं कि अभी आपने देख लिया कि यहाँ पे आई, असल अब देखो दोबारा मैं फिर से पुराने पे आता हूँ कि व्हाट इज़ आई, व्हाट इज़ आई, आई क्या था हमारा बेटा, इट वॉज जस्ट अ यूनिट इमेजिनरी नंबर, इट वॉज जस्ट अ यूनिट इमेजिनरी नंबर, ये चीज़ याद रखना, यूनिट इमेजिनरी नंबर, आई की वैल्यू, आई हमारा एक यूनिट इमेजिनरी नंबर था। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू रूट के अंदर माइनस का 9। सो बट इट्स वेरी सिंपल, अगर आई मेरा यूनिट इमेजिनरी नंबर है तो आई कैन राइट इजिली 9 इंटू माइनस 1, एंड वी नो दैट अगर मेरे पास ऐसा कुछ होता है
इन टू, तो हम लोग एक्सपोनेंट्स में ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि इनका रूट हम लोग एक साथ लिख सकते हैं, है ना। सो हम लोग इसको स्प्लिट करेंगे, 9 का रूट लगाने वाले हैं इन टू -1 का रूट लगाने वाले हैं। एंड वी ऑल नो दैट द वैल्यू ऑफ रूट 9 इज 3 एंड रूट -1 इज इक्वल्स टू आई, सो द आंसर इज 3i। ओके, रूट 9, रूट -9 कैन बी ऑल्सो रिटन एज 3i वेयर आई इज एन यूनिट इमेजिनरी नंबर, यूनिट इमेजिनरी नंबर। बेटा ये बार बार बोलने को थोड़ा लंबा हो जाता है, यूनिट इमेजिनरी नंबर, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं आयोटा, 3 आयोटा, ठीक है ना। आई का मतलब होता है आयोटा। तो ये था बेटा कुछ हल्का सा ब्रीफ इंट्रो इमेजिनरी नंबर्स की शुरुआत का कैसे हुआ। तो अभी हम लोग इमेजिनरी नंबर्स के बारे में थोड़ा सा और पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग देखने वाले हैं इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, इसका मतलब क्या हुआ। जैसा कि अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि मेरे को बताओ कि आई की पावर 236 का वैल्यू कितना आएगा, तो अब आप नॉर्मल सी बात है कि आप सर बार बार बैठ के आप रिपीट तो चेक करोगे नहीं कि कितनी साइकिल बन रही हैं और ये 236 कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये तो नहीं करने वाले हो आप, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है और ये वेस्ट ऑफ टाइम ही होगा, इतना क्यों इतना नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि अब देखो यहाँ पे सोचा कैसे गया, यहाँ पे इंसान ने सोचा कैसे, ठीक है, उसने क्या करा। तो हमको एक चीज़ पता है, हमको एक चीज़ पता है कि जो हमारा जो इंटरवल है या फिर जो साइकिल चल रही है हमारी, वो हर फोर्थ टर्म के बाद रिपीट हो रही है, हर फोर्थ टर्म के बाद रिपीट हो रही है। तो एक काम करते हैं, अगर मान लो मेरे को जानना है आई की पावर एन, जिसका मैं स्टार्टिंग में चर्चा करी थी कि आई की पावर एन अगर मैं कैसे निकालूंगा, ठीक है। तो अगर हमको जानना है कि आई की पावर एन कैसे निकालें, तो वी ऑल्सो नो दैट कि हमारा जब एन ग्रेटर देन 4 होता है तो वो वैल्यू रिपीट करने लगता है, ठीक है ना। अगर हमारा एन ग्रेटर देन 4 हो गया तो वैल्यू रिपीट करने लगेगा, ठीक है। तो इससे हम लोग एक चीज़ सीखते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक चीज़ नॉर्मल सा आपने पहले क्लास 10th में पढ़ा होगा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ऐसे करके कुछ चीज़ होती थी, है ना। चैप्टर 1 नहीं पढ़ता है ये लोग, ठीक ये चीज़ हम लोग, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग का जो भी यहाँ पे एन होगा ये होगा ए और जो मेरा बी होगा वो होगा 4, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम वी जस्ट डिवाइड दिस एन बाय 4, डिवाइड एन बाय 4, 4 से ही क्यों, क्योंकि बेटा हर फोर्थ के बाद वो रिपीट हो रहा है, तो जो कुछ होगा वो फोर्थ में ही होने वाला है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एन को डिवाइड कर देंगे 4 से। तो याद करो पुराना कॉन्सेप्ट अपना कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में लिखते थे, एन इज इक्वल टू 4q+r वेयर आर इज रिमाइंडर ऑफ दैट फॉर ऑफ दैट डिवीजन, ठीक है ना। उसका डिवीजन के बाद जो क्यू आएगा वो होगा क्वेश्चन, जो आर होगा मेरा वो होगा रिमाइंडर। और आपको पता है जो ये आर की वैल्यू है वो हमेशा 4 और 0 के बीच में ही आने वाली है, ये तो बेसिक चीज़ है, आप लोग क्लास 10th में पढ़ा था, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, देखो अब इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब हम लोग को चाहिए आई की पावर, हमको ये तो एन की बात हो गई, हम लोग क्या करें दोनों साइड आई लगा देते हैं, हम लोग पावर रेज कर देते हैं, आई की पावर एन इज इक्वल टू आई की पावर 4q+r, इक्वल है, कोई चीज़ कोई मतलब कोई बदलाव नहीं आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला इसमें, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन इससे एक फ़ायदा ज़रूर होगा हम लोगों को, वो क्या होगा अब देखो। अरे हाँ, अब वी नो दैट जब बेस सेम होता है तो हमको उसको हम लोग उसको स्प्लिट कर सकते हैं, विच मीन्स 4q+i की पावर r, ठीक है ना। आई एन एम, देखो बेटा ये 4 के मल्टीपल में, ये 4 के मल्टीपल में मतलब कि आपको पता है आई की पावर 4 कितने होता है, 1 होता है, और ये 4 के मल्टीपल में मतलब कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होगी 1, विच मीन्स आई एन इज इक्वल टू आ गया मेरा आई आर। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इससे क्या इसका इससे हमको क्या समझ में आता है, इससे हमको ये समझ में आता है कि जो भी मेरा पावर है, जैसे कि यहाँ पे मेरा पावर क्या था, जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछा है ये वाला क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे, यहाँ पावर है इसकी 236, ठीक है। तो जस्ट आप कुछ नया मत करो, इसको 4 से डिवाइड करो और जो भी रिमाइंडर बच रहा है, जो भी रिमाइंडर बच रहा है उसकी पावर जितनी होगी वही इसका सोल्यूशन होने वाला है। आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मैं प्यारा सा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि मैं आपसे बोलूँ कि आई की पावर 19, मेरे को अभी छोटे से शुरुआत कर रहे हैं, आई की पावर 19 का मेरे को वैल्यू बताओ, तो इट्स ऑब्वियस कि आप साइकिल में जाने वाले वैसे ऐसे करके, है ना। तो आप क्या करोगे, यू विल जस्ट डिवाइड 19 बाय 4, इट विल गिव यू 4 4 16, रिमाइंडर क्या जाएगा, रिमाइंडर जाएगा 3, ठीक है। एंड हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं आई की पावर एन इज इक्वल टू आई की पावर आर, यहाँ पे एन की वैल्यू 19, विच मीन्स आई की पावर 19 इज नथिंग बट इज इक्वल टू आई की पावर 3। एंड हम लोग को आई की पावर 3 का वैल्यू तो पता ही है कितना होता है, -i,
इसका मतलब ये हुआ कि आई की पावर 19 का आंसर मेरा कितना होगा, माइनस आई। इस तरीके से वाले क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसी इसको बोलते हैं लोग इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। अगर बहुत बड़ी पावर मिल जाती है जहाँ पे आप साइकिल का यूज़ नहीं कर सकते हो, उसको हम लोग ऐसे करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आपको बस जस्ट एक छोटी सी चीज़ याद रखनी है कि आई की पावर एन इज इक्वल टू ऑलवेज आई की पावर आर, ठीक है ना। जहाँ पे आर हमारा रिमाइंडर होने वाला है, एन हमारी जो होगी वो पावर होगी, ठीक है ना। अगर इस ऐसे में आपसे पूछूँ कि आई की पावर 236 बताओ, जैसा कि सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा था, तो क्या करोगे, सिंपल है, आप 236 को डिवाइड कर दोगे 4 से। दिस विल गिव यू 4 5 20, 3 6 कॉपी किया, 4 9 36, विच मीन्स रिमाइंडर 0। इसका मतलब क्या हुआ कि आई की पावर 236 इज इक्वल टू आई की पावर 0 विच इज ऑलवेज इक्वल टू 1। किसी की भी पावर 0 हो वो हमेशा 1 ही होने वाला है, चाहे वो इमेजनरी नंबर ही क्यों ना हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपके वाले क्वेश्चन आयोटा के प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है ना। तो बस एक चीज़ याद रखनी है कि आई की पावर एन इज ऑलवेज इक्वल टू आई की पावर आर, बस, और कुछ नहीं। तो बेटा ये तो बात हो गई आपकी, जब आपका आपने देखा यहाँ पर जो भी हमारा एन रहा है, जो भी ये वैल्यू रही है, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 रही है। हमारी यहाँ पर जितने केस हमने देखे वो एन ग्रेटर देन 0 वाले देखे। अब एक और चीज़ हो सकती है इसमें, क्या कि मान लो हमारी पावर नेगेटिव में हो, हमारी पावर नेगेटिव में हो, जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपसे कि आई इज इक्वल टू आई की पावर -4, तो कैसे बताओगे। तो इट्स वेरी ऑब्वियस, क्या करोगे आप, 1 अपॉन कर दो, क्या जा रहा है, 1 अपॉन आई की पावर 4, है ना। ऐसा इसका मतलब तो यही हुआ, 1 अपॉन आई की पावर 4 मतलब कि 1 अपॉन 1 विच मीन्स 1, ठीक। तो इसमें कुछ नया नहीं था, बस आपको बता, जैसे कि आपसे पूछा जाए कि अब आई की पावर -7 बताओ, तो आप कैसे बताओगे इसको। आप लिखोगे पहले चीज़ तो i/i/7, ठीक है ना। अब आपको पता है i/7 किसके इक्वल होता है, i/7 इक्वल टू होता है i/3 के, इतना तो याद ही होगा आपको, इतना तो याद कर ही लेना। अगर नहीं याद हुआ तो इसका करना है, कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि 6 3 के इक्वल होता है, 8 7 के, 8 4 के इक्वल होता है, ठीक है, ऐसे करके याद होना चाहिए आपको, ठीक है। 6 4 के, 6 किसके इक्वल होता है, 6 होता है शायद 3 के इक्वल होता है, हाँ मैं खुद कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ, देखो ऊपर देखते हैं, 6 2 के इक्वल होता है, सॉरी 6 2 के इक्वल होता है, 7 3 के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो i/7 इज इक्वल टू i/3, ठीक। अब 1 अपॉन आई की पावर कितना 3 होता है, माइनस आई होता है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा, -1 अपॉन आई। तो यहाँ पे कुछ ये अच्छा ही लग रहा है यार, आई को हम लोग डिनोमीटर में देखना अच्छा ही लगता है हम लोगों को। तो सिंपल है, नॉर्मल बुद्धि लगाएंगे हम लोग, क्या करेंगे, ऊपर आई से मल्टीप्लाई, नीचे आई से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ऊपर मिल जाएगा हमको माइनस आई, नीचे मिल जाएगा आई स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस आई और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है बेटा -1, है ना, मतलब कि -1, और ये माइनस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, मतलब कि आ गया आई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि i/-7 इज इक्वल टू आई, समझिए। कुछ इस प्रकार से आपके नेगेटिव वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो अब देखो मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, वो देखो, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। हाँ तो मेरे पास पहला क्वेश्चन है, एक देखो सिंपल सा है, माइनस रूट के अंदर लिखा हुआ है -1, ठीक है, और ब्रैकेट लगा हुआ है पूरे के ऊपर, पावर लगी हुई है 4n+3, ठीक है ना, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। सोचो ये कैसे होगा, सोचो। आपको सर पहला सवाल ही इतना वियर्ड, सर सिंपल है, कुछ बस पुराने कॉन्सेप्ट्स के याद यूज़ होने वाले हैं। पहले से आपको पता होना चाहिए कि ये 4n+3 लिखा हुआ है, 4n+3 लिखा हुआ है, ये रिप्रेजेंट करता है ऑड नंबर्स को। अगर मानते नहीं तो उसको पूर्ण करके देख लो, जैसे अगर मैं लिखूँ n=1 लिखूँगा मैं, तो आ जाएगा 4+3 विच इज़ ऑड नंबर, एन इज इक्वल टू 2, 4 2 8+3 विच इज़ ऑल्सो ऑड नंबर, ठीक है ना। तो ये जो हमारा 4n+3 है वो रिप्रेजेंट करता है ऑड नंबर्स को। तो ये हमने क्यों आपको हाईलाइट कराया, इसलिए कि ये चीज़ आपको काफ़ी छोटी चीज़ कि अगर -1 की पावर ऑड है तो नेगेटिव साइन बाहर आएगा, ठीक है ना, नेगेटिव के साथ ही आंसर बाहर आएगा, और अगर -1 की पावर इवन है तो प्लस का साइन बाहर आएगा, है ना। तो जब ये पावर ऑड है इसका मतलब ये माइनस का साइन तो बाहर आएगा ही आएगा, नेगेटिव के साथ ही खुलेगा ये ब्रैकेट, ठीक है ना। तो बस इसी के लिए मैंने इतना बताया आपको। तो अब देखो अब क्या होने वाला है, अब मैं ब्रैकेट खोलूँगा, माइनस साइन तो बाहर वैसे का वैसे ही आने वाला है। अब ये जो ये चीज़ जो है इसको बोलते हैं हम लोग आई, इसको बोलते हैं हम लोग आई, है ना। तो आई की पावर 4n+3 और माइनस साइन बाहर लगा हुआ है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसको स्प्लिट कर दिया मैंने, कुछ नहीं करूँगा मैं, स्प्लिट करने वाला हूँ इसको। यह आ जाएगा -i/4
फोर एन मल्टीप्लाइड बाय आई की पावर 3, ठीक है ना। अब देखो सिंपल हो गया, काफ़ी ज़्यादा सिंपल। आई की पावर 4 के मल्टीपल में मतलब कि आंसर 1 आने वाला है, ठीक है, 1, और ये माइनस का साइन लगा है। और आई की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती थी? माइनस आई, ठीक है, माइनस आई इंटू माइनस 1 विच इज इक्वल टू बेटा प्लस का आई। हेंस क्वेश्चन कंप्लीटेड। सिंपल था, काफ़ी ज़्यादा सिंपल था, बस एक चीज़ में देखनी थी जो आपको समझ में आना चाहिए था, ठीक है। ये हो गया आपका पहला सवाल, आज के लेक्चर का पहला सवाल मैंने करा दिया आपको, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन। तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, कुछ इसमें नया नहीं करना है, बस आपको जो इंटीग्रल पावर वाला जो कॉन्सेप्ट है बस वही करना है। जैसे कि आई की पावर 19 लिखा हुआ है, आप इसको 4 से डिवाइड करो, ऐसे ओरली करते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं 19 को डिवाइड किया 4 से, कितना आएगा? 4 4 16, ठीक है। 19 में से 16 कैंसिल किया, कितना बचा? 17 18 एंड 19, रिमाइंडर कितना आया? 3। मतलब कि आई की पावर 19 इज इक्वल टू आई की पावर 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं आई की पावर 19 इज इक्वल टू आई की पावर 3 विच इज इक्वल टू माइनस आई, सिंपल, ठीक है ना। एंड यहाँ पे आते हैं 1 की पावर 25 रिमेन्स 1 एंड आई की पावर 25 इज इक्वल टू, देखो अब इसके दो केसेस हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे आई की पावर 25 क्या है, ये 5 का मल्टीपल है, इट इज इक्वल टू आई की पावर 5 इंटू एन, है ना। आपको पता है 5 आई की पावर 5 जो होता था वो इक्वल टू किसके होता था? आई की पावर 1 के, ठीक है। तो आप यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हो कि आई की पावर 25 इज इक्वल टू आई, या फिर जैसा करते हुए आए हो 25 को 4 से डिवाइड करो, 4 4 6 4 5 20 4 6 24 4 6 24 25 में से 24 कैंसिल हुआ, कितना बचा? 1, और रिमाइंडर आ गया 1। इसका मतलब आई की पावर 5 इज इक्वल आई की पावर 25 इज इक्वल टू आई की पावर 1, समझे कुछ, ठीक है। ऐसा करके कुछ करना है आपको, ओरली याद रखना है, ये करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से डायरेक्टली लिखते हैं बेटा आई की पावर 19 इज इक्वल टू आई की पावर 3 प्लस, देखो आप इसको आई की पावर माइनस 1 लिख सकते हो, ये आई की पावर 1 अपॉन आई बचेगा खाली, ठीक है ना। ये ऐसे करके आएगा जब आई की पावर 25, तो आई की पावर 25 इज नथिंग बट इज इक्वल टू आई की पावर 1, है ना। तो यहाँ पे इसको हटा दो, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। अब आप चाहो तो आई की पावर माइनस 1 करके लिख दो, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप क्या करो, डायरेक्टली यहाँ पे रेशनलाइज कर दो इसको, अभी इसको रेशनलाइज कर दो यहाँ पे ऐसे करके। इससे क्या होगा, वो बाहर स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। इससे क्या होगा, इसका हो जाएगा आई क्यूब प्लस, देखो ऊपर बन जाएगा आई हमको, नीचे मिल जाएगा आई स्क्वायर। बेटा वी ऑल नो द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर, दैट इज माइनस 1, ठीक है। ये बाहर स्क्वायर भी लगा हुआ है, इसको लगा के चलो। आप देखो आई क्यूब इज इक्वल टू माइनस आई, है ना, एंड आई स्क्वायर इज माइनस 1, ठीक है। मतलब कि आ गया है आई अपॉन माइनस 1 विच मीन्स माइनस आई, ठीक है ना। यहाँ पे हो गया माइनस आई, ठीक है, आई अपॉन माइनस 1 मिला है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया माइनस आई, ठीक है, माइनस आई की पावर 2। इसको लिख सकते हैं हम लोग माइनस 2i का होल स्क्वायर, मतलब कि माइनस टू इंटू आई। मैं आपको थोड़ा सा एक्सपेंड करके बता रहा हूँ खाली, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, और i इंटू आई मतलब आई स्क्वायर मतलब कि माइनस 1, मतलब कि माइनस 4 आ गया मेरा RHS की ये इक्वल, ठीक है। ऐसे करके कुछ इसको करना है, मतलब इक्वल टू RHS, ठीक है। सिंपल था क्वेश्चन ये वाला भी, काफ़ी ज़्यादा सिंपल था, ठीक है। अब एक और अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं बेटा, है क्वेश्चन बेटा मेरा क्या है, ये आपके लिए होने वाला है होमवर्क, ठीक है, ये आपके लिए होने वाला है होमवर्क। इसके बाद हम लोग लेक्चर में रैप अप करने वाले हैं, ख़त्म करने वाले हैं। ये लगा हुआ है सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 से लेकर के जा रहा है 13 तक, ठीक है। एंड यहाँ पे एक्सप्रेशन है मेरा आई की पावर एन प्लस आई की पावर एन प्लस 1 का ब्रैकेट वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ इसके लिए, ठीक है। हिंट क्या है इसका, कि यहाँ पे हम लोग सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी का यूज़ करने वाले हैं। अगर आप लोगों को जीपी नहीं पता तो मैं बता दूँ, जीपी होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। जैसे कि एपी होता है वैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी होता है, ठीक है। कुछ लोग इसको पहले पढ़े होते हैं, हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया जाता है क्लास 10th में, और कुछ लोगों को नहीं बताया जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जैसे कि आपका वहाँ पे होता था, एपी में होता था हम लोग होता था कॉमन डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे आपका होगा कॉमन रेशियो, हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालते थे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके, उसी प्रकार से रेशियो निकालेंगे हम लोग सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। जैसे कि अगर मान लो आप जीपी दिखती कैसी है, ये देखो ये हुआ है 1 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32, ये आपकी जो फॉर्मेशन हो रही है ये होती है जीपी एक तरीके की।
इसका कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे हम लोग, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। आप चाहो तो आप देखो सबका कॉमन जो भी रेशियो है वो कॉमन ही आने वाला है। 2/1 इक्वल्स टू होगा किसके, 4/2 के, 8/4 के, ठीक है, 16/8 के, सारे टर्म्स एक जैसे हैं, ठीक है। तो इसका कॉमन रेशियो कितना है, इसका कॉमन रेशियो है 2, ठीक है। तो अब बता देते हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जी पी कैसे निकालते हैं। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जी पी इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है बेटा, ए ब्रैकेट में आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ए मेरा फर्स्ट टर्म होता है, ए मेरा फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है। आर मेरा कॉमन रेशियो होता है, कॉमन रेशियो होता है, ठीक है। इतना जानकारी आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। अब बस यही चीज़ इसमें है जो आपको दिक्कत दे सकती है, बाकी अगर आपको अच्छे समझ में आया होगा तो आप इसको कोशिश करिए करने की। अच्छा सवाल है, मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा अगले लेक्चर में, ठीक है। तो बेटा आज का लेक्चर काफ़ी काफ़ी ब्रीफ था, काफ़ी हल्का था, सिर्फ इसमें हल्का सा इंट्रोडक्शन कराया गया। कॉम्प्लेक्स नंबर की अभी स्टार्टिंग हम लोगों ने नहीं करी है, अभी हम लोगों ने सिर्फ पढ़ा है इमेजिनरी नंबर्स क्या होता है, ठीक है ना। तो बेटा आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा, और आपको अगर इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा पे कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप उनको प्रैक्टिस करिएगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में।